वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी। आज मैं तुहाडे नाल एक बहुत बड़ा जीवन कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। शुरुआती जीवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओह भारत दे कंदरी पता विच पैदा हुए सन। अंबेडकर दा जन्म 14 अप्रैल 1891 नूं मध्य प्रदेश दे इंदौर नेरे मोह विच रामजी मालोजी सकपाल ते भीमाबाई दे घर होया सी। जदों अंबेडकर दा जन्म होया सी उस दे पिता भारतीय फौज विच सूबेदार सन अते उन्हां दी पोस्टिंग इंदौर विच सी। 3 साल बाद 1894 विच उस दे पिता रामजी मालोजी सकपाल सेवा मुकौत हो गए अते उस दा पूरा परिवार सतारा महाराष्ट्र विच शिफ्ट हो गया। तुहानू दस दिए कि भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता दे 14वें अते आखिरी बच्चे सन। ओह अपने परिवार विच सब तो छोटे सन, इस लाए ओह पूरे परिवार ते चहेते सन। भीमराव अंबेडकर भी मराठी परिवार नाल संबंधित सन। ओह महाराष्ट्र दे अंबाव दे पिंड नाल संबंधित सी जो हुण महाराष्ट्र दे रत्नागिरी जिले विच है, ठीक है। ठीक है जी, उसका संपर्क महार जतीय आनी दिलित बर्क नाल सी जिस कारण किता गया सी। इना ही नहीं, दलित होन कारण उन्होंने उच्च सिक्ख्या हासिल करन लई भी काफ़ी संघर्ष करना पिया। हालांकि सरिया मुश्किलों नूं पार करदे होए उसने उच्च सिक्ख्या प्राप्त की अते दुनिया दे सामने अपने मां आप नूं सबत किया। भीमराव अंबेडकर दे परवाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी फोर्स विच लंबा समां सेवा करदे रहे हन अते उन्हां दे पिता रामजी सकपाल ने भारती फोर्स जी मूह छावनी विच सेवा कीती अते इत्थे काम करदे होए सूबेदार दे आउंदे तक पहुँचे। उसने मराठी अते अंग्रेजी विच राशमी सिक्ख्या प्राप्त की। तो सो वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। इनू जिन्ना जिन्ना मैं कहा सच कहा, ठीक है जी। सो वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।